2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जबरदस्त रहा। समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी ने साथ में मिलकर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की। हालांकि योगी आदित्यनाथ सब पर भारी पड़े और एक बार फिर सत्ता में आए। विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव के बाद अब राज्यसभा के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। देश भर में राज्यसभा की 27 खाली सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें 11 सीटें उत्तर प्रदेश के हिस्से में हैं। चुनावी गणित के हिसाब से प्रदेश में बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें जीतने की संभावना है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। इन 3 सीटों को लेकर पार्टी में जद्दोजहद जारी है। माना जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव 3 में से 1 सीट अपने गठबंधन सहयोगी आरएलडी को यानी जयंत चौधरी को दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। सपा 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। बताया जा रहा है कि अखिलेश जयंत चौधरी को 1 सीट इसमें से दे सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन भी सपा की सीट से राज्यसभा जाने के दावेदार हैं। आलोक रंजन ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का घोषणा पत्र तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के नेता अबू हसन को भी सपा के कोटे से राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसकी भी काफी चर्चा है। सपा के एक अन्य सहयोगी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी अपने बेटे को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। अखिलेश यादव के एक करीबी नेता ने बताया कि आजम खान भी अपने एक हितैषी के लिए राज्यसभा का टिकट चाहते हैं। सपा के कई वरिष्ठ नेता भी अपनी दावेदारी जताने में लगे हैं। ऐसे में अखिलेश के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करना टेढ़ी खीर होने वाला है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के 125 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए कम से कम 34 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। विधानसभा की 403 सीटों में बीजेपी के पास 273 सीटें हैं। बीजेपी के पास विधानसभा में बहुमत है, विधान परिषद में बहुमत है और अब बहुत मुमकिन है कि 11 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी के खाते में ही आए। बीजेपी ने 37 साल पुराने इतिहास को बदलते हुए दोबारा अपने मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज किया। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला। जहां योगी आदित्यनाथ का कद भारतीय जनता पार्टी में बड़ा है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पकड़ भी मजबूत हुई है। विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव को भी आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो सकती है। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी बीजेपी अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी भी राज्यसभा में उन चेहरों को भेजने का प्रयास करेगी जो चेहरे 2024 में उसके ज्यादा काम आए। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।